स्वागत है आपका टेक्नो मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यार भरा कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमारा जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है एक 4K वॉलपेपर। आप लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी कमेंट किया था कि भाई आपने की वॉलपेपर कहाँ से लगाए। तो ये एक एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन के अंदर में आपको बहुत सारे 4K वॉलपेपर मिल जाते हैं। इस एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसे डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हल्क के वॉलपेपर, टियरिंग के वॉलपेपर्स और बहुत सारे सुपर हीरोज़ के 4K वॉलपेपर। तो बेसिकली आप ऊपर सिंपली टैप करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर अपने होम स्क्रीन पर सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाले एप्लीकेशन को सेव करना है, तो बेसिकली उस प्लस के आइकन पर टैप करना है, सेट एज कर देना है, सेट एज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वॉलपेपर पर टैप कर देना है। एंड जैसे ही आप इसे वॉलपेपर पर टैप कर देते हैं, ये आपका डन करके सेव हो जाता है। अब हमारी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो एक बेसिकली लाइव वॉलपेपर है, जो कि वाटर लाइव वॉलपेपर है। इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके मोबाइल के होम स्क्रीन को काफ़ी कमाल का लुक करता है। अगर आप इसे टर्न करते हैं, मोबाइल को थोड़ा सा झुकाते हैं या फिर मोबाइल को ऊपर नीचे करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ वाटर इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी कूल लुकिंग लगता है। इसे भी डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। लिंक वैसे मैंने सारे की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, तो आप वहाँ से भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है फ्रेंड, ये काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है। एक्चुअल में ये एक VR है, जो आप देख सकते हैं AR से क्रिएटेड किया गया। ये एक स्मॉल ड्रैगन है जो हमारे हाथ में काफ़ी कूल लुकिंग लग रहा है, तो इसे आप काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक ला सकते हैं। बेसिकली ये एक टेबल AR ऐप है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड आपको बेसिकली क्या करना है कि इसके अंदर आपको बहुत सारे सेटअप देखने को मिल जाते हैं, तो इसे सेटअप को आपको क्या करना है कि आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जैसे ही आना है, तो गेट टाइल्स पर आपको टैप करना है। गेट टाइल्स पर आप जैसे ही टैप करते हैं, तो आपको PDF के फॉर्म में तो कुछ डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, बस इस डिज़ाइन को आपको क्या करना है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए किसी और मोबाइल में, या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जिस भी मोबाइल में आप इसे ओपन रखेंगे और अपने दूसरे मोबाइल से इस स्टाइल्स पर फोकस करेंगे प्ले करने के बाद, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो एक गेम है, जो काफ़ी कूल गेम है और इंटरेस्टिंग गेम है। इसे खेलने में यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और इंटरेस्टिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो मैंने इसे top 5 एप्लीकेशन के इसमें डाल दिया है। तो ये गेम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं फ्री टाइम में हमेशा इस गेम को खेलता हूँ, तो मुझे काफ़ी मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप टैप कर सकते हैं सिंपली और ये फिट होता चला जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये गेम भी इस top 5 एप्लीकेशन में डाल दूं। और जिन लोगों ने यार मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलती है यार। 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं आप लोगों के लिए, तो यार पूरा कर देना। अब जो हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है फ्रेंड, वो है एक इमोजी मेकर, यानी कि आप फनी फेस इमोजी बना सकते हैं। आपको बेसिकली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी, तो आपको इसे बेसिकली कट कर देना है और यहाँ पर से जिस भी इमोजी पर आप अपना फोटो लगाना चाहते हैं सिंपली उस पर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर बहुत सारे इमोजीज देखने को मिल जाते हैं, अब आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सी इमोजीज़ पर लगाना है। मैंने ये वाला सेलेक्ट कर लिया है और बेसिकली ये कुछ इस तरीके का इमोजीज़ आएगा। आपको सिंपली गैलरी पर टैप करना है और गैलरी पर टैप करने के बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो भी फ़ोटोज़ है गैलरी के अंदर या फ़ोटोज़ या फाइल मैनेजर के अंदर, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर से एक फ़ोटो सिलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर से एक फ़ोटो को चूज़ कर लेता हूँ, कोई सा भी फ़ोटो, और यहाँ पर से उस फ़ोटो पर मैंने टैप किया और इसे यहाँ पर से क्रॉप कर लेता हूँ। तो क्रॉप करने के बाद थोड़ा सा आपको क्रॉप करना है, उसके बाद आपको फेस क्रॉप का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर टैप करके क्रॉप कर लेना है। और जैसे ही आप क्रॉप करते हैं, तो आपके सामने फ्रेंड
एक नया ऑप्शन और खुलकर आ गया कि यहाँ पर से आप फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसे मैन्युअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं फिलहाल फेस के लिए जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन आप चाहें तो इसे आराम से बैठ कर मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पर से कट कर लिया है, और जैसे ही मैंने कट किया है तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2-3 सेकंड का टाइमिंग लेता है, और इसको लेने के बाद ये आपका जो है इमोजीज़ को क्रिएट कर देता है। इमोजीज़ क्रिएट करने के बाद फ्रेंड आप क्या कर सकते हैं कि इसे किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। काफ़ी ही कूल एप्लीकेशन है फ्रेंड, आई होप कि ये सारी एप्लीकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन 5 एप्लीकेशन में सबसे मस्त एप्लीकेशन आपको कौन सी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के...